अस्सलाम नाज़रीन, क्रिकलिंग्स की एक और वीडियो के साथ जनरल आब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। भारतीय और पाकिस्तानी शायकीन हो जाएं तैयार, क्योंकि इस दफ़ा एशिया कप में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि तीन दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला देखने को मिलेगा। तीन दफ़ा मद्दे मुकाबल होंगी, एशिया की सबसे बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान मद्दे मुकाबल होगी। ये बड़ा एशिया कप होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप है, तो इसमें पूरी की पूरी तैयारी की जाएगी। सबसे पहले जनाब आपको बताते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है, क्या क्या डेट्स हैं, पाकिस्तान और इंडिया कब कब मद्दे मुकाबल होंगे, कौन से क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबल होंगे, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 27 अगस्त से ये मुकाबले होंगे स्टार्ट, UAE की क्रिकेट ग्राउंड में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होंगे ये मुकाबले, दुबई शारजा की पिचेस होंगी, वही पिचेस जो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुई इस्तेमाल, और वहां पे पाकिस्तान ने बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी थी इंडिया को। अब उसके बाद आपको बताएं कि सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा 28 अगस्त को। जी हां, 28 अगस्त को दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया आएंगे मद्दे मुकाबल। और अगर आपको शेड्यूल बताएं तो सबसे पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा 27 अगस्त को, 28 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबल आएंगे, और 30 अगस्त को उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच होगा। इसी तरह से जनाब 31 अगस्त को होगा इंडिया और क्वालिफायर का मैच, जो क्वालिफाई करेगी क्वालिफायर टीम, उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश का होगा 1 सितंबर को मैच, 2 सितंबर को पाकिस्तान और क्वालिफायर का होगा, जबकि उसके बाद सुपर 4 मरला शुरू होगा। जी हां, 6 टीम्स हैं और उसमें से 4 टीमें जो हैं वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, और जिस तरह की पाकिस्तान और इंडिया की फॉर्म है, जिस तरह की बड़ी टीम्स हैं, तो ये पहले से ही क्रिकेट जायंट्स कह रहे हैं कि ये 2 टीमें तो पक्का सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर ये सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर जनाब होगा पाकिस्तान और इंडिया के मबैन अगला मुकाबला 4 सितंबर को, और ये भी दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में होगा। ये इसके बाद अगर हम आपको पूरी तफसील से बताएं तो सुपर 4 में सबसे पहले सैटरडे को होगा B1 और B2 का मुकाबला, यानी ग्रुप बी की 1 नंबर और 2 नंबर टीम का मुकाबला, उसके बाद A1 और A2 जो कि पाकिस्तान और इंडिया एक्सपेक्टेड हैं उनका होगा संडे को 4 सितंबर को मुकाबला, उसके बाद 6 सितंबर को A1 और B1 का होगा, उसके बाद जनाब 7 सितंबर को होगा A2 और B2 का, फिर 8 सितंबर को होगा A1 और B2 का, और B1 और A2 का होगा जनाब 9 सितंबर को, और आखिरी मुकाबला जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो होगा 11 सितंबर को, जो कि ग्रैंड फिनाले होगा, फाइनल होगा एशिया कप का, ये भी दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में होगा। और अगर आपको इसकी टाइमिंग बताएं तो सारे के सारे जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 7 बजे के करीब और इंडिया में 7:30 बजे के करीब, जबकि अगर दुबई का लोकल टाइम और UAE का लोकल टाइम देखा जाए तो वहां पे 6 बजे ये सारे मुकाबले होंगे। बड़ी बड़ी टीम्स होंगी इसमें और बड़े बड़े प्लेयर्स, विराट कोहली दोबारा से नजर आएंगे, उनको खिलाया जाएगा, उसके बाद KL राहुल, रोहित शर्मा, वो पाकिस्तान की जानिब से और इंडिया की जानिब से, जबकि पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान उसी तरह से तहलका मचाते हुए नजर आएंगे। क्या 2021 की उस फॉर्म को, उस मैच को, उस परफॉर्मेंस को पाकिस्तान रिपीट कर सकेगा? क्या पाकिस्तान उसी तरह से भारत को दोबारा से शिकस्त दे सकेगा? राशिद लतीफ साहब ने प्रेडिक्शन किया कि पाकिस्तान जीतेगा, और भी बहुत से लोगों ने, क्रिकेट जायंट्स ने कहा है कि पाकिस्तान का मोराल ज्यादा हाई है, बाबर आजम ने भी कहा है कि UAE की कंडीशन से हम बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है यहां पर हमने, तो पूरी पूरी उम्मीद है उन्हें कि पाकिस्तान जीतेगा, ना सिर्फ ये मुकाबले भारत को 3 दफा शिकस्त देगा बल्कि पाकिस्तान एशिया कप की ट्रॉफी भी इस दफा पाकिस्तान में लाएगा। इसी नेक तमन्नाओं के साथ कि पाकिस्तान ये एशिया कप जीते और पाकिस्तान और भारत के मबैन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामी नासिर।